गाइस चेक करो जेके 21 वाले जेके 8 में क्या कर रहे हैं। अपना ही है ना। चलो लेट्स गो। आए भाई, हवा ही नहीं आएगी क्या बाइक पे? यही हवा की आवाज आएगी ज्यादा, मेरी आवाज आएगी। चेक करो भाई, आज का ये प्लान है कि अभी हम जा रहे हैं घूमने, दिखाते हैं आपको जगह का नाम महानाल। कह रहे वाह। हम दो नहीं जा रहे हैं, हमारे दो साथी हो रहे हैं, उनका वेट नहीं करना क्या? क्यों आ नहीं जाएंगे उनको? आने दो यार भाई, अगर आपको आवाज कम कम आए प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना। संकल्प ही अलग कर देख ले एक दिन यार मुझे। अगर आप दयालचे के ऊपर वाली साइड आते हो, ब्लॉर वाली साइड जाते हो, बीच बीच में रोड पूरी बन गई है, पर बीच ये टूटा इधर से नहीं, इधर से लो, पर बीच बीच में ऐसे काम लगा आपको देखने को मिल जाएगा टूटा हुआ। यहीं से जाएंगे ना ऊपर से धनी वास्ता वाली साइड, यहाँ से ही मंगलूर से राइट, यहाँ से लेंगे हम मजा भाई। एक बात सुनो मेरी, धीरे चलाओ ना, पहले मैं व्लॉग स्टार्ट किया हुआ, मैं कह रहा हूँ पब्लिक को कह दो हेलमेट क्यों लगाई आज, पहले ही मेरे को जज करते हैं लोग, ट्रैफिक का चालान काट के हेलमेट पहनने का। आज ना हमारा चालान करवाने का मन है, इसलिए हमने ट्रैफिक हेलमेट नहीं लगाई। नहीं नहीं हेलमेट के जब हेलमेट पहनते तब चालान करते ट्रैफिक वाले, समझे? अगर हेलमेट पहनी है तो ट्रैफिक वाले चालान कर देते हैं, इसलिए देखो बीच बीच में रोड बन भी चुकी है, तगड़े व्यू भी लेंगे हम पहाड़ों के। गाइस यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग तो है पर वाटर नहीं दिख रहा भाई, वाटर नहीं है। ओ ये देखो वाओ, स्विमिंग पूल बना रखा है हमारा भाई, दूसरी बाइक आ नहीं रही, कहाँ रह गई वो भाई? तेरे ओए ओए काटना नहीं, डर लगता हमको। ओ ओ आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल आराम से। पजामा तो सही है पर ये क्या है, क्या है ये? ओ भाई इधर देखना ध्यान से भाई, भाई बालों की हालत खराब, और अभी हम रेस्ट मोड में हैं, टांगे थक गई यार। हाँ हाँ हेलमेट नहीं तो टोपी कुछ तो चाहिए था सिर पे। गाइस अभी हम रेस्ट मोड पे हैं, वेट कर रहे हैं अपने साथियों का, तो यार आम भी तोड़ के खा लेते हैं। पिछली बार आए थे ना हमने ये पानी क्रॉस किया था, ये अब इन्होंने पुल ही बना दिया भैया, एडवेंचर कहाँ गया, कंटेंट कहाँ से लूंगा मैं? चलो भाई घुसाओ नीचे पानी में। हाँ सही बात है, जैसे जैसे हम गाइस ऊपर जा रहे हैं ठंडी हवा आती जा रही है और पहाड़ आते जा रहे हैं भाई, लोगों को देख के लग रहा है कि आज रश है, क्योंकि ये सोमवार है ना। तुम यहाँ तो आएंगे इस शिव जी की जगह है इस महानाल, महानाल हर हर महादेव भाई, बहुत रश है। आगे हमें पैदल भी चल के जाना होगा, ये खतरनाक रास्तों से निकलते हुए। वो हमारे दूसरे साथी वो आगे जा रहे हैं भाई, भाई आराम से व्यू चेक करो गाइस। वाओ ये सिक्योरिटी के लिए, माल बचाने के लिए हमने रूम ले लिया फोटो में। ओए 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 मौसम साफ हो रहा है भाई, हे भगवान रूम को उड़ा दो प्लीज, मौसम साफ चाहिए भाई, खराब चाहिए, खराब चाहिए, साफ मतलब की धूप नहीं चाहिए, खराब होता है, खराब चाहिए मौसम, और वो रश भी होगा ठीक ठाक, बहुत रश होगा आज। ऐसे रोड पे बाइक नहीं लेके जाने का हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे, पर ये हमारा ड्राइवर थोड़ा पागल है, इधर लगा दो यार आगे, रोड पूरी टूटी है, रोड है ही नहीं टूटी, क्या है वो देखो लैंडस्लाइड हुआ है। पक्का बैठ जाऊं ना, गिर तो नहीं जाएंगे, गिर सकते हैं भाई हम, खड्डे में गिरी तो बस इधर है पेगी ठंड, फंस गए ना बीच में, नहीं थंबनेल मिल गया मुझे इधर। एडवेंचर तो करना जरूरी है, बहुत सही, नहीं नहीं नीचे लेना, इधर लगा दे, चल नीचे अब तो साफ है, नहीं जाएगा
चल आ जा, शाबाश। टायर घूम रहा है, खींच खींच खींच, बहुत सही। नहीं टूटता भैया, इतना लाइन है सर। ना 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 ना, रहने दो इधर ही। इतना लंबा बंदा था, अभी तो रखा हुआ है हमने। नहीं नहीं, नीचे लेना। और नहीं यार भैया, नहीं है साफ। और राहुल समझा यार, शुभम भैया कह रहा है इस रोड पे बाइक लेके जानी है। कहीं से भी कंटेंट निकाल लेते हम। आपने बाइक गिराई नहीं यार, गिराते तो और कंटेंट आता है ना। चल वो शॉर्टकट बंद हो गया भाई। भाई पहुंच गए फाइनली। दिखाओ तुम्हें लोकेशन, दिखाओ मस्त। ये देखो, चेक करो यार, देखो भाई ये लाइन है और वो अंदर मंदिर, वो है हमारे महादेव, वो अंदर महादेव। आओ ना पहले उधर जल चढ़ाते हैं। आओ पहले ही होगा। तो गाइस अभी दर्शन करके वापस आ गए हैं और यहाँ पे लंगर लगा है, अभी हम खाएंगे दाल चौल अम्बल माणी। टिक्का लाए दे भैया जी, अरे तू ला दा उधर, आ दसा इधर टिक्का दसा। वाह ठीक है, आखा ये बाबा लांदे ये लाखा कौन कुछ कोते बाबा इसी लो टिक्का। भाई वापस जाने में हालत खराब, खड़ी चढ़ाई है खड़ी। कौन है, लोग क्यों गफ्फा चलाएंगे भाई, थक नहीं सकता इंसान। वो देखो लड़का शॉर्टकट से आया, वो देखो। क्या लगता है मैं बैठू क्या यार, इधर से आप अकेले निकलो फिर मैं बैठूँ। क्या लगता है गाइस चढ़ पाएंगे, आराम से चढ़ जाएंगे। वो 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 बहुत सही, यहीं से बैठ जाऊं, चढ़ जाएंगे हम। ओ भाई चढ़ जाएंगे, क्यों नहीं चढ़ेंगे, बैठ गया। ओ ओ ओ भाई भगवान ने हमारी बात सुन ली, ठंडा ठंडा मौसम कर दिया। और शुभम भैया मुझे लगता है मनाली लेके जा रहे हैं। भाई कहाँ लेके जा रहे हो यार, क्या जगह है, सुकून तो है भाई ऊपर वादियों में ना, पहाड़ों में सुकून है। चेक करो मेरे पीछे, ए, देखने की बात है हमारी गवर्नमेंट ने कहां कहां रोड बना दिए हैं। इधर पहाड़ों में कहां रोड थे पहले, लोगों को 10-10 दिन लगते होंगे यहां तक आने में, और अभी तो कहते किया गया ये किया। भाई देख लो कहां कहां रोड बन चुके हैं। वाकई यार हम कहां पे हैं, हम ऊपर पहाड़ में किसी गांव में। चलो करो एक्सप्लोर, नेचुरली तो दिखा रहा हूँ पौड़ियाँ। सौरभ जोशी क्यों बनना है। हो भाई अच्छा हम बता दें, हम जहाँ कर रहे हैं, हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल। शुभम भैया ने कोई जगह एक्सप्लोर की है वो बता रहे हैं, और ये रास्ता देखो, ओफ मजेदार, मजा आ रहा है। यहाँ पे भी तो लोग रहते, ये बंदे असें हायर किए थे सानू लेने आता है, गाइड है साढ़े, ट्रैकिंग गाइड। जी यूली चलो उतरो आराम से, चलो कुल्लू मनाली आइए। दस टू डेंजरस, चप्पल नहीं लगा के आने चाहिए था हमको, कहे थे हम शूज लगा के आएंगे, नहीं। देखा एक्सप्लोर करते रहो गाइस, मेरे पास बाइक होना कभी, मैं ऐसे ही पहाड़ों में रहूं, मजा ही लगे यहाँ पे, सुकून है एकदम मजा। देखो पहाड़ों में फार्मिंग, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे भी तो लोग रहते हैं, हमें चाहिए ऐशो आराम, पैसा मजा ये वो, ये असली जिंदगी, चिल लाइफ मजेदार। पर मैं फंस गया, ठीक है ओके है। ओके, टू डेंजरस रास्ता है ये,
ये देखो गाइस कहां-कहां से निकलना पड़ रहा है। और रुक जाओ भाई, रह गया आ गया झरना। वाह। और गाइस रास्ते में हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, हमारे पीछे कुत्ते पड़े। मैं तो बाइक के चुंबे चला रहा हूँ, ऊपर ही चढ़ गया और मैं गया बचा ले। कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चल। ये देखो गाइस चावल लगे हैं हमें। ये एडवेंचर एडवेंचर रिवर क्रॉसिंग। गई गई चप्पल गई अब इसके बीच में से निकलेंगे पजामा उठा के। ओहो मेरी चप्पल भी गई, बच गई बच गई। आय हाय हाय मजा आ गया। स्लीपर स्लीपर के नुकसान गाइस, स्लीपर खुल जाती है। ओ पानी में डूब गया मम्मी। चल भाई कहाँ जा रहे हम, चलते जाओ। देख लो यहाँ से आए हम। ओ मजेदार नेचुरल वाटर, कहाँ लेके जाएंगे। कहाँ है वाटरफॉल? वीडियो ऑन ही है भाई। भाई ये रहा भाई, वाकई क्रॉस करनी है मुझे। राहुल मुझे पकड़ इधर, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़। बस थैंक यू। ओ स्लिप है ऊपर से, चप्पल भी अपनी स्लिपरी। कहाँ से आप, कहाँ से आए, यहाँ से कैसे? तो काफ़ी मशक्कतों के बाद हमें फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। चेक दिस आउट गाइस, ये आपका ब्लॉगर रहा। ओए हेलो बोल। ओ मजा ही आ गया गाइस। ओ देखो एक पहले तैयार हो गया, हम भी चलते हैं गाइस। अब चेक करो। ओए होए होए नेचुरल भैया, पैर लगते हैं नीचे। शुभ भैया जाओ ना नीचे, एक बार जम मारो भाई। ये देखने में ऐसे लग रहा है पैर नहीं लगते, डूबिया नहीं लगते, फिर तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे स्विमिंग नहीं आती भाई। यहाँ पैर नहीं लगते, बहुत गहरा है, इसलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। पर मजेदार बॉडी बिल्डर नहीं नहीं भाई, बीच में नहीं यार स्विमिंग नहीं आती, बीच नहीं जाना ना, इंया साइड गया लवली आंदी जा फिर, मैं नहीं जाना भाई। ओ देख ओ देख जल परी भाई। ओ मजा आया, काश मुझे भी स्विमिंग आती होती। ओ ओ मैं और लवली भी ना स्विमिंग वाले छड़ा दिखाने नहीं लगते। आज काफी मजा आया, आपने देख लिया होगा व्लॉग में। सुकून मिलता है यार पहाड़ों में जाके ना, एकदम ऐसे मन शांत हो जाता है। वहाँ मेरे नेटवर्क नहीं थे फ़ोन के ऊपर, हाँ ये है कि वीडियो वगैरह हम बना पा रहे थे, बट यार ऐसी ये ऐसी जगहें हैं जो पता ही नहीं है, हिडन प्लेसेस कह सकते हैं। ये मुझे खुद नहीं पता थी, वो तो मेरा दोस्त ले गया महानाल, तो हमें पता ना पिछले साल भी कहता यहाँ से ऊपर चलो पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर चलो, वहाँ पर एक झरना है और उधर ना वाटरफॉल, उधर ना एक स्विमिंग पूल टाइप है,
मैं यार मुझे स्विमिंग तो आती नहीं, कहते चल तो सही मजा आएगा। और भाई जैसे हम पहुंचे सबसे टॉप पे, वहां पे लोगों के घर थे यार, मतलब मैं देख रहा था वहां पे भी लोग रहते हैं, और हमें चाहिए ऐशो आराम, पैसा, शोहरत, फोन, ये वो, वहां पे भी तो लोग रहते हैं। पर मतलब वो ऐसा था कि जहां पे रोड खत्म है, पहाड़ के सबसे टॉप पे जहां रोड खत्म है वहां पे वो घर थे। देखा ही होगा आपने व्लॉग में, मैंने बनाया भी है, जहां पे हम उनके खेतों से निकल रहे थे, फिर सबसे टॉप पे पहुंच के, उसके आगे कुछ नहीं था, जहां हम नहा रहे थे उसके आगे पहाड़ी खत्म थी, फिर पहाड़ी की दूसरी साइड थी, वहां हम चढ़ नहीं सकते। और जहां पे वो नहा रहे थे वहां पे पानी में तैर नहीं लग रहे थे, नीचे काफी गहरा था। मैं चुप करके साइड में बैठ के देख रहा था, पर मजा आया। और मेरे पास बाइक हो ना, मैं ना घूमता ही रहूं पहाड़ों में, मेरे को बहुत मजा आता है, ऐसे सुकून, ठंडी ठंडी हवा, ओए होए होए, मजा ही आ गया यार। और बाकी आप बता दो, कमेंट कर दो कैसा लगा व्लॉग, और गुड नाइट मेरी तरफ से, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बाय बाय।